हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से मोतीलाल पॉट मास्टर के चैनल में आप सबका स्वागत है। मिट्टी का सामान बनाने वाला मोतीलाल, ये मैं तेलंगाना बोरमपेट से आपको मैं ये वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है लाइव दिखा रहा हूँ, जैसे जो बनाकर मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो। ये मिट्टी का अटकेलू बनाएंगे, अटकेलू जैसे हिंदी में इसको हंडी बोल सकते हैं। ये डिक्ची टाइप का होता है, जैसे हम चावल पकाते हैं वैसे ये बनकर दिखाएंगे आपको। ये दोस्तों धीरे सा मिट्टी का सहारा लेकर मिट्टी, ये चाक पर देख रहे हैं चाक कैसा इतना बड़ा है, उसके साथ मिट्टी के अंगूठे और पंजे के उंगली के सहारे से इसको उठाकर कैसे बना रहा है। और ऊपर से उंगली से इसका फ्रेस मुंह का डिजाइन देंगे, जैसे हम लोग डेगची में चावल पकाते हैं वैसे ही देंगे इसके ऊपर। आप देखते रहिएगा। और इसके बाद फिर से इसको नीचे से हाथ लगा कर इसको अच्छा डिजाइन देंगे, उसका पेट टाइप का बना दिया। काम उठाकर, ये काम बोलते हैं, ये लोहे का रहता है, इसके हम क्लीन करते हैं जो भी, जैसे बालू रेती कोई भी कंकड़ पत्थर एकदम सुपर क्लीन होता है। ये देखिए कितना चिकन हो रहा है, हमेशा ऐसा ही क्लीन हो जाता है ऊपर का जो हिस्सा है। ये बनकर तैयार हुआ है दोस्तों। अब इसे जो दाग दे दिया उसके आगे एक चिक्कर लगाने के बाद में गिरका है, जैसे जो डिजाइन दे रखा है ये गिरका लगा दिया, ये डिजाइन आ गया। अब यहाँ इसको कट करेंगे। कट करने सबसे बड़ी बात पहले दोस्तों ये है कि ये सुई से यहाँ पर कट होता है, कभी यहाँ धागे का इस्तेमाल नहीं होता है। अब ये सुई से कट कर दिया, इसको उतार दिया। अब ये दोस्तों देख लीजिए डिजाइन हो गया जो अंदर का होल है। अब इसको मैं रिप्ले बैक में करके दिखाऊंगा। अभी ये जैसे फैलाया हूँ इतने बना का आइटम रखा हूँ, ये बनाने के बाद साड़ी लगाया हूँ। साड़ी लगाने में जो कड़ा हो जाता है, कड़ा होने के बाद फिर इसका पीछे का जो मैं अभी हॉल देखा मैं वो बना था। मेरा पार्ट टू अभी स्टार्ट होता है, इसका मतलब पार्ट टू पीछे का। अब ये देखिए पार्ट टू स्टार्ट हो गया। नीचे जो मिट्टी का थोड़ा कपड़े लगा के बनाया हुआ, इसको पहंडी ऐसे बैठा दिया। बैठाने के बाद ये सेंटर देख लिया, लेबल है। लेबल होने के बाद इसको पानी उठाकर थोड़ा पीछे का जो जैसे पेनी बोलते हैं पीछे का वो बनाएंगे। वो बनाने के बाद से इसको पूरा एकदम सिमस से ज्वाइंट करेंगे हाथ के सहारे से जोड़ना, क्योंकि ये अभी गीला आइटम है, जैसे ज़्यादा कड़ा भी नहीं हुआ है कि गीला है तभी इसको ज्वाइंट कर सकते हैं, कड़ा होने से नहीं कर सकते हैं। ये काम के सहारे अंगूठे से पूरा धीरे से हालत लगता। ये पीछे का डेगची जैसे मॉडल जो हम खाना पकाते हैं जैसे या जैसे बर्तन कुछ भी ऐसा रहता है, सेम हम उसी डिजाइन का बनाएंगे। देख लीजिए दोस्तों ये कैसे धीरे धीरे ज्वाइंट कर दिए। अब देखिए ऊपर का कैसे क्लीन हो गया, ये चिकन हो गया। आप इसे घुमा के देख लीजिए, ये तैयार हो गया। जैसे अभी बनाने तक का ये कंप्लीट हो गया। आप भी ऐसे बना सकते हैं। आप सोचेंगे हाथ में अरे बना के तुरंत कैसे उठा लिए, थे हम लोग का कला है, समझ में नहीं आता दोस्तों। एक बार फिर से बना रहा हूँ, वो देख लीजिए कैसे बना रहा हूँ फिर से। आप देख कर आप भी ट्राई करो, आप भी बनाओ। कला सबसे बड़ी चीज़ है, इसको कभी भी कुछ भी नहीं मानना, ये छोटा या क्या है, कला सबसे बड़ी चीज़ है, चाहे किसी भी चीज़ का हो, कला पेंटर कुछ भी हो। देखिए दोस्तों फिर से ऐसे कैसे ऐसे बना रहा हूँ, फिर से इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। एक और देख लीजिए, ये बनकर रेडी हो गया। आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ जितना मैं जो आइटम अभी जैसे बना कर रखा हूँ, ये जैसे देख रहे हैं जो बनके तैयार हो गया है। ये बनाने के बाद हम ऐसे फैला दिए, जो अभी जस्ट पहले दिखाया वो जल कैसे हमने में इसे बना देता है। ये कड़ा होने के बाद थोड़ा 4 घंटे 5 घंटे कड़ा होने के बाद इसको कलर डाल होता है, कलर डाल कर भट्टे में जला देते हैं। ये यहाँ का एक मॉडल है, अंदर ही सूखता है, कभी इसको धूप में हम लोग बाहर नहीं निकालते। जब अंदर पूरा सूख गया था तब इसको लास्ट टाइम में दो जय हिंद।